अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। दिल्ली में कई इलाकों में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसा हुई, आगजनी हुई। दिल वालों की दिल्ली में लगातार हिंसा का तांडव हुआ। 24 फरवरी के सुबह से ही हिंसा बवाल का जो मंजर शुरू हुआ वो लगातार दो दिन तक चला। इस हिंसा में 39 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। इसी को देखते हुए मेरठ समेत वेस्ट यूपी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। वहीं मेरठ के एडीजी प्रशांत कुमार का कहना है कि मेरठ का माहौल अब तक शांत है, फिर भी हर जगह हमने पुलिस को तैनात कर रखा है और आज जुम्मे के दिन खास तौर पर हर जगह कड़ी नजर रखी जा रही है और आरएएफ के जवानों को भी चाक चौराहे पर तैनात किया गया है। वहीं एडीजी प्रशांत कुमार ने अफसरों को सिटी पेट्रोलिंग के आदेश दिए हैं और संवेदनशील इलाकों में खुद एसएसपी अपनी निगरानी रखेंगे। जनपद मेरठ में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सुबह से पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में जगह जगह लगी हुई है। जनता के व्यक्ति चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये लोग भी पुलिस के साथ सुबह से लगे हैं। माहौल पूरी तरह से शांत है। नमाज कई जगहों पर प्रारंभ हो गई है और एहतियात बरतते हुए पर्याप्त मात्रा में पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स को जगह जगह लगाया गया है। भारी मात्रा में पुलिस का रिजर्व भी रखा गया है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। इसके साथ ही जो कुछ विवादित लोग हैं उनको चेतावनी दी गई है कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें कि पुलिस को कार्रवाई करनी पड़े। सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है। इस संबंध में कुछ मुकदमे भी पंजीकृत किए गए हैं और कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई है और स्थिति पूरी तरह से इस समय सामान्य है। नहीं, किसी प्रकार की नोटिस नहीं जारी की गई है। हाँ, आग्रह जरूर किया गया है कि पिछली बार जब 20 दिसंबर का विवाद हुआ था तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जनप्रतिनिधि जो जनपद से बाहर थे, उनसे कहा गया है कि आप लोग इस समय जनपद में रहें और एक साथ पुलिस के पब्लिक के साथ मौजूद रहें ताकि किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर ना हो और सबकी क्या भूमिका क्या स्थिति है स्पष्ट हो सके। हाँ, जैसे कि आप जान रहे हैं कि पूरे मेरठ शहर में जो है जितने भी सेंसिटिव पॉइंट हैं सब पे मैजिस्ट्रेट और पुलिस तैनात है। सभी लोग फुट पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और सभी धर्मगुरुओं से भी सभी व्यापारियों से भी बात हुआ है और सभी बाजार भी नॉर्मल खुले हुए हैं और भीड़ भी अच्छी खाती है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी जगह सामान्य है और सभी लोग शांति का मतलब माहौल बनाए हुए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल है, तभी मार्केट भी खुली हुई है, काफ़ी भीड़ भी है, आप लोग देख भी रहे हैं। तभी ई रिक्शा भी चल रहे हैं, ऑटोज भी चल रहे हैं, पब्लिक भी घूम रही है और कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही है, तो सब शांति है। और मुझे यही उम्मीद है कि हमारे जनपदवासी जो है तभी शांति बनाए भी रखेंगे और पूरा प्रशासन का सहयोग करेंगे और किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे। सोशल मीडिया लैब हमारे यहाँ है मेरठ में और उस पर हम लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फेसबुक ट्विटर पर है, व्हाट्सएप पर है। एक आध किसी ने अगर कोई भी सामाजिक या कोई भी जो है ऑब्जेक्शनेबल अगर मैसेज किया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। बस हम लोग यही जनता से अपील करते हैं कि सभी लोग शांति बनाए रखें और हम लोगों का हमेशा जो है सहयोग करें। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।